गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सबसे पहले इंग्लिश में मिसिंग लेटर्स। ओके, ए बी सी डी पूरी अल्फाबेट यहाँ पे ए टू जेड लिखा हुआ है, मतलब कि बीच में कोई कोई लेटर्स मिसिंग है। ओके, तो हमें उसको फिल करना है, उसको लिखना है हमें कि ए के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, सी के बाद क्या आता है, मतलब जो भी मिसिंग है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, सब ब्लैंक है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, वहाँ पे हमको फिल करना है लेटर। कौन सा लेटर, जो लेटर आएगा वो ए के बाद क्या आता है, बी, तो यहाँ पे हम कौन सा लेटर लिखेंगे, बी। ओके, चलिए मेरे साथ आपको भी देखना है मिसिंग लेटर्स। सबसे पहले कौन सा लेटर लिखा है, विच लेटर इज दिस, ए, यस, ए फॉर एप्पल। ए के बाद क्या आता है, व्हाट कम्स आफ्टर ए, ए बी, यस, तो ए के बाद बी आता है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी। ओके, अब फिर से आगे देखेंगे, ए बी सी, सी के बाद क्या आता है, डी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी। ओके, अब बी के बाद क्या आता है, अगर आप भूल जाते हो बीच में तो आपको ये भूल जाते हो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप फिर से स्टार्ट करना है, आपको बीच में से ही नहीं बोलना है। ओके, फिर से स्टार्ट करना है, ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई, ई एफ करोगे आप, ऐसे बोलोगे तो आपको कुछ याद नहीं आएगा। कोई कोई बच्चों को समझ में आता है, कोई कोई बच्चे नर्सरी वालों को समझ में नहीं आता है ज़्यादातर, तो हम फिर से बोलेंगे A, B, C, D, E, F, G, तुरंत आ जाता है याद में, क्योंकि पूरी अल्फाबेट हम जब बोलते हैं फिंगर रख रख के तो हमें पता चल जाता है यहाँ पर ये मिसिंग है। ओके, तो क्या मिसिंग है, G, G फॉर गेट, G, उसके बाद क्या है, H, H के बाद I, I के बाद क्या आता है, अगर नहीं पता हम फिर से बोलेंगे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, yes, I के बाद आता है J, J for jam, okay, I, J, K, K के बाद अभी हमें missing letter ढूंढना है, तो K के बाद क्या आता है, देखते हैं, A, B, C, D, देखिए finger hill नहीं चाहिए, E, F, G, H, I, J, K, L, यहाँ पे आएगा L। ओके, अभी L के बाद का मिसिंग लेटर हमें ढूंढना है, तो वापस A के पास जाएंगे हम, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M for mug, M for mug में आप बहुत सारा M for milk पीते हैं, am I right? Yes, पीते हैं ना milk? Yes. अभी M, N, N के बाद क्या letter आएगा? इस ये जाने के लिए वापस A के पास जाना पड़ेगा, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O for owl, okay, O for orange, O for owl, orange में आपको बहुत पसंद है ना, yes, तो O for orange भी हो सकता है, हमारी बुक में owl है तो हम owl बोलेंगे, okay, yes, इसके बाद है P, उसके बाद Q, फिर उसके बाद क्या आएगा, ये जानने के लिए वापस A के पास जाना पड़ेगा, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, R for rabbit, जो सारे बच्चों को पसंद है ना, rabbit पसंद है ना सबको, yes, I know that, Q, R, S, S के बाद कौन सा लेटर आएगा यहाँ पे, कौन सा लेटर मिसिंग है,
करने के लिए वापस ए के पास चलते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी फॉर टेबल। यस, टी टी के बाद क्या लेटर आएगा? वापस एक पास चलना पड़ेगा। अगर आपको आता है ऐसे हाफ हाफ बोल के तो आप कर सकते हो, जैसे देखो क्यू आर एस टी यू, अगर आपको आता है तो आप हाफ हाफ बोल के भी कर सकते हो, ओके। लेकिन जिसको नहीं आता है वो शुरू से बोलेंगे, ओके। चलिए देखते हैं, क्यू आर एस टी यू, देखो जिसको आता है वो ऐसे भी कर लेगा, ओके। और जिसको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, आता है लेकिन उसको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वो वापस ए से स्टार्ट करेंगे, ओके। भूलना नहीं, अगर आपने गलती की तो आपको लेटर्स जो है वो उल्टा सीधा हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, ओके। तो यू वी वी के बाद क्या आएगा ये जानने के लिए हम वापस ए के पास चलते हैं। ए भाई जो है वो हमको बताएंगे कि वी के बाद क्या आएगा, ओके। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। यस, डब्ल्यू फॉर वॉच, ओके। जो आप सबके पास है मुझे पता है आपको वॉच पहनने का बहुत ही शौक है, और आप सबके पास कार्टून वाले वॉच है ना? यस आई नो, मुझे पता है, सब कुछ पता है, ओके। डब्ल्यू एक्स वाई, वाई के बाद क्या आएगा? किसी किसी को पता होगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यस, अगर पता नहीं चल रहा है तो आप वापस ए भाई को पूछ सकते हो, कहाँ जाना है आपको? वापस ए के पास, ए के पास जाना है, वापस पूरा अल्फाबेट बोलना है, लेटर्स एबीसीडी, तो पता चल जाएगा आपको कि कौन से किसके बाद क्या लेटर आता है, ओके। तो वाई के बाद जेड, जेड फॉर जेब्रा, ओके। अभी हम पहले नंबर्स कर लेते हैं, ओके। चलिए नंबर्स करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 1 0 10। अभी 1 0 1 2 10 नंबर तो हमने दिवाली से पहले बहुत बार कर लिया है, यही किया है, सिर्फ 1 to 10 नंबर ही किया है। आफ्टर दिवाली हम 11 to 1111 से स्टार्ट किया है, 1 for 14 तक लिखना पहुंच गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर से 1 1 11 से रिवीजन करेंगे, देखिए one
19, 19, और उसके बाद आएगा 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 0 20, ओके। 1 मोर टाइम करेंगे 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20, ओके। अभी हम 1 5 15 कैसे लिखेंगे देखो, 5 का कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें, खाली आगे 1 लिखना है, 1 5 15, तो पहले 1, अभी लिखना है 5 स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन राइट कॉ, 1 5 15, 1 स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन राइट कॉ, 1 5 5 1 5 15, ओके। ये आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी हम हिंदी के स्वर देख लेते हैं एक बार, ओके। अ अ से अनार, आम आ से आम, छोटी ई छोटी ई से इमली, बड़ी ही बड़ी से एक, छोटा हूँ छोटा उसे उल्लू, बड़ा हूँ बड़ा उसे ऊन, री री से ऋषि, छोटा ए छोटा ए से एड़ी, बड़ा ए बड़ा ए से एना, ओ ओ से ओखली, औ औ से औरत, अंग अंग से अंगूर, अह खाली। वन मोर टाइम करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, अ अ से अनार, आ आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई बड़ी से एक, छोटा उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, री री से ऋषि, छोटा ए से एड़ी, बड़ा ए से एना, ओ से ओखली, औ औ से औरत, अंग अंग से अंगूर, अह खाली, अह खाली, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, आपको और पर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से मिसिंग लेटर्स की, नंबर्स की, और आइडेंटिफाई अ से अह तक हमारे हिंदी के स्वर की, ठीक है। बाय बाय।